नमस्कार, मैं हूं दीप्ति पाल। देख रहे हैं आप टीवी 24 नेटवर्क। साउथ सुपरस्टार प्रभास, जिसका नाम लेते ही 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए का जिक्र होने लग जाता है। देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में प्रभास की कई सारी फिल्में मिल जाएंगी। उनकी फिल्मों का बजट भी काफी तगड़ा होता है। उनकी रिसेंट फिल्म कल्कि को ही ले लिया जाए, इस फिल्म का बजट 600 करोड़ बताया जा रहा है। इस लिहाज से ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म है। इस फिल्म की कमाई भी काफ़ी तगड़ी चल रही है। कई रिकॉर्ड्स टूट गए हैं, कई अभी टूटने बाकी हैं। आइए जानते हैं कि फिल्म की कमाई के ताज़ा आंकड़े क्या कहते हैं। फिल्म की रीसेंट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये अपनी रिलीज के 4 हफ्ते पूरे करने की ओर बढ़ रही है और अभी भी फिल्म की कमाई जारी है। फिल्म 2 करोड़ से ज़्यादा भारत में कमा रही है। इससे साफ है कि फिल्म को काफ़ी अच्छी ऑडियंस मिल रही है। फिल्म का कुल कलेक्शन 618.85 करोड़ रुपए का हो गया है। पहले तो इस फिल्म को शाहरुख खान की फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ना होगा, क्योंकि कल्कि के ऊपर भारत में कमाई के मामले में अब सिर्फ शाहरुख खान की ही जवान मूवी है। जवान का कलेक्शन 640 करोड़ रुपए का था। अब मगर प्रभास को शाहरुख खान की सबसे बड़ी फिल्म को पछाड़ना है तो अभी भी 22 करोड़ की कमाई करनी होगी। अगर फिल्म शाहरुख खान की जवान को पीछे छोड़ देती है तो इसके बाद उसका सामना साउथ की ही फिल्म RRR से होगा। इस ऑस्कर विनिंग फिल्म ने खूब कमाई की थी। फिल्म का कलेक्शन भारत में 782.20 करोड़ रुपए रहा था। इस लिहाज से देखा जाए तो ऐसा मुश्किल लग रहा है कि ये फिल्म सिनेमाघरों में अब बहुत ज़्यादा दिन चलेगी और 700 करोड़ तक कमा पाएगी। लेकिन शाहरुख खान की जवान को ये फिल्म अपने भारत के लाइफ टाइम कलेक्शन में धूल चटा सकती है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की फहरिस्त में तीनों नाम साउथ फिल्मों के ही हो जाएंगे। फिलहाल तो अब फिल्म में इतनी जान बची है कि ये आने वाले 10 दिनों तक 1 करोड़ या इससे ज़्यादा कमा सकती हैं और वीकेंड में इसकी कमाई इससे भी बेहतर हो सकती है। ऐसे में ये कहना तो नाइंसाफ़ी होगी कि फिल्म 700 करोड़ कमाएगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि फिल्म अंत तक भारत में 650 से 660 करोड़ तक कमा सकती है। जबकि ये देखने वाली बात होगी कि वर्ल्ड वाइड कनेक्शन के लिहाज से ये फिल्म 1300 करोड़ की कमाई कर पाती है कि नहीं। दरअसल RRR का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी 1388 करोड़ रुपये है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में प्रभास की कल्कि जूनियर, NTR और रामचरण की फिल्म को पछाड़ सकती है या नहीं। कल्कि ने बहुत ही पहले अपना बजट निकाल लिया था और 2 हफ्ते के अंदर ही फिल्म ने 1000 करोड़ पार कर लिए थे। ऐसे में भले ही इंडियन बॉक्स ऑफिस पर प्रभास जूनियर NTR से पिछड़ जाए, लेकिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में कल्कि RRR को पटकनी दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिल्म के लिए बड़ी बात होगी। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए टीवी 24 नेटवर्क से।